गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज अपने बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सबसे पहले देखें, ये नया चैप्टर है एनिमल फिजियो के अंदर अपना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, पहला पॉइंट तो यही अपने डिस्कशन करेंगे। ये कह रहा है कि आपके अंदर बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूड्स होते हैं, बॉडी फ्लूड्स जो है, उन बॉडी फ्लूड्स का ट्रांसपोर्टेशन या फिर आप लोग बोल सकते हैं मूवमेंट जो है, उस मूवमेंट को ही आप लोग जनरली क्या करते हैं, आप बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी अपनी बॉडी के अंदर जो लिक्विड है, पर्टिकुलर बात करें लिक्विड की, तो आप लोग कहेंगे कि सर हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर एक तो ब्लड आता है और एक आता है लिम्फ। उस लिक्विड का जो सर्कुलेशन है, यानी बॉडी फ्लूइड का जो मूवमेंट है, बॉडी के इनसाइड डिफरेंट ऑर्गन टू ऑर्गन जो मूवमेंट है, उसी मूवमेंट को आप कंसिडर करते हैं किसके अंदर बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को आप बोलते हैं एंजियोलॉजी। क्या बोला जाता है बेटा, एंजियोलॉजी बोला जाता है। और दूसरी कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फादर है, यानी कि एंजियोलॉजी का फादर जो है, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, वो आपका एक साइंटिस्ट है विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे को इस एंजियोलॉजी का फादर बोला जाता है। दूसरा कि बॉडी के जो फ्लूड्स है उनकी मूवमेंट जो, उस मूवमेंट को ही आप क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कंसीडर करते हैं। और तीसरा पॉइंट आप लोगों ने कहा कि इसकी स्टडी को बोलते हैं एंजियोलॉजी। अब अपने बात करेंगे कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम को आप लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके 2 पार्ट्स है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो अपने लेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर इसको बोल देते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और जो सेकंड है वो कंसीडर करेंगे अपने लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। या फिर इसको बोल देते हैं लिम्फ वैस्कुलर सिस्टम। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अपने पास 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है वो आ गए। एक तो आपका आ गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा आपका आ गया लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले अपने जो इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, हालांकि दोनों सिस्टम का डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले अपने बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है उसका डिस्कशन जो है वो अपने करेंगे। ये ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है उसके अंदर आप लोग कुछ पॉइंट्स लेंगे, अपने कुछ पॉइंट्स के अंदर इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपने लेके चलेंगे ब्लड वेसल्स की बात करेंगे, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स के बाद में सेकंड अपने लेंगे हार्ट, और थर्ड नंबर पे अपने डिस्कशन करेंगे जो लिक्विड है, टिश्यू जो है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं ब्लड, उस ब्लड की बात अपने करेंगे किसके अंदर, इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। इसी टाइप से बात करें लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसके अंदर भी आप लोग कुछ अलग अलग स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लिम्फेटिक वेसल्स की और लिम्फेटिक कैपिलरीज की। लिम्फेटिक वेसल्स कर लेते हैं, लिम्फेटिक वेसल। दूसरे नंबर पे अपने लेंगे लिम्फ नोड्स, और थर्ड नंबर पे जो लेंगे वो लेंगे बेटा लिम्फ। यानी सेम टू सेम ब्लड की तरह ही जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है उसका डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर अपने एक टॉपिक और ले लेते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन और डिस्कशन कर लेते हैं,
लिम्फेटिक ऑर्गन फोर्थ नंबर पे, लिम्फेटिक ऑर्गन, इनका डिस्कशन भी अपने इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर करने वाले हैं। तो एक बार आप लोग दोबारा से देखें इसको कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लोग किसकी स्टडी करेंगे, कि जो बॉडी फ्लूड्स होते हैं उन बॉडी फ्लूड्स की जो सर्कुलेशन है, मूवमेंट जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं। इस सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को बोलते हैं एंजियोलॉजी, और इस एंजियोलॉजी का जो फादर है वो है आपका विलियम हार्वे। और आपने कहा कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड कर देंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, एंड सेकंड वन आप डिस्कशन करेंगे लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, और वी कैन से लिम्फेटिक वैस्कुलर या लिम्फ वैस्कुलर सिस्टम। ईच को आप फर्दर डिवाइड करें ब्लड वैस्कुलर, ब्लड वेसल्स हार्ट एंड ब्लड के अंदर, और इसको लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ के अंदर, और लिम्फेटिक ऑर्गन्स के अंदर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने डिस्कशन करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर किस टाइप से जो है मूवमेंट जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड की हो रही है। बेटा इसके बाद बात अपने जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लोगों ने कुछ पार्ट लिखे थे, जिसमें से मैं फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन करूंगा, वो है आप लोगों का ब्लड वेसल्स का। कौन सा है बेटा? ब्लड वेसल्स का। इन ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स जो है वो आप लोगों की यू लिख सकते हैं ट्यूब्स या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन विच ब्लड फ्लो, और इन ब्लड वेसल्स की बात करें तो कुछ ब्लड वेसल्स अपने यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से एक तो आती है आर्टरीज, दूसरे नंबर पे अपने डिस्कशन करेंगे वेन्स, तीसरे नंबर पे जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे ब्लड कैपिलरीज की, ब्लड कैपिलरीज। तो कुल मिला के आप लोग बात करें कि इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फर्स्ट पार्ट है ब्लड वेसल्स का, उस ब्लड वेसल्स के अंदर ये कह रहा है कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है, ट्यूब्यूल्स होती है जिनके अंदर ब्लड क्या होता है, या यूँ मान लें कि ये नली होती है अपनी ब्लड सॉरी बॉडी के अंदर, जिनके थ्रू क्या होता है ब्लड जो है इधर उधर फ्लो होता है। और इन्हीं ट्यूब्स को आप लोग फर्दर आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज के अंदर आप लोग इनको डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे ये जो आपके ब्लड वेसल्स है, इन ब्लड वेसल्स को आप लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज की। सबसे पहले अपने देखेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, इन्हीं सभी इंक्लूड है जिसके अंदर आर्टरीज, वेन और ब्लड कैपिलरीज, इनके अंदर बात करें अपने इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर थ्री पार्ट्स अपने को मिलते हैं जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं उनका डिस्कशन कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे। इसकी आउटर बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, या आप लोग ट्यूनिका एडवेंसिया भी इसको बोल सकते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका, ट्यूनिका एडवेंसिया भी इसको नेम दे सकते हैं। देखो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका एडवेंसिया जो है ये आउटर मोस्ट होती है, यानी सबसे बाहर की तरफ है, आउटर मोस्ट। और दूसरा पॉइंट जो इसका है कि ये आपकी बनती है बाई, या मेड अप लिख देता हूं, मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, यानी किससे बनी हुई है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इस जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है उस ट्यूनिका एक्सटर्ना की फॉर्मेशन किससे होती है, उसके अंदर आप लोगों को कोलेजन फाइबर्स मिलते हैं और एंड सम लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल अनस्ट्राइटेड मसल्स जो है
अनस्ट्राइटेड मसल्स जो है वो अपने को मिलती है। याद रखना बेटा, एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर कौन से टाइप की मसल्स है, अनस्ट्राइटेड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मिलेगी, और इसके अलावा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर, सॉरी एडवेंसिया के अंदर आपको कोलेजन फाइबर्स जो है वो इलास्टिक टाइप के फाइबर्स होते हैं, ये आप लोगों को मिल रहे हैं कोलेजन फाइबर्स। और खास बात यह है कि ये ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना वेन्स के अंदर तो थिक होती है और आर्टरीज होती है उनके अंदर थिन होती है। इन वेन्स ये मिलेगी आप लोगों को थिक, और इन आर्टरीज आर्टरीज के अंदर आप लोगों को ये मिलेगी थिन। ध्यान रखें ये इनकी पोजीशन मिलेगी ट्यूनिका एक्सटर्ना की या ट्यूनिका एडवेंसिया की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने सेकंड पार्ट जो है उसका डिस्कशन करेंगे। सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड जो पार्ट मिलता है वो मिलता है ट्यूनिका, ट्यूनिका मीडिया। एग्जाम के अंदर ट्यूनिका मीडिया से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बनता है मेडअप ऑफ, मेडअप ऑफ अनस्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड सर्कुलर मसल्स का। देखो ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो आप लोगों से मैं अभी क्वेश्चन भी लिखूंगा, उसके बाद देखना आप लोग। और इसके अंदर आप लोगों को इलास्टिक इलास्टिक फाइबर्स भी मिलते हैं, और इसके अलावा ये पार्ट जो ट्यूनिका मीडिया वाला है ये थिक होता है, थिक इन आर्टरीज एंड थिन इन इन वेन्स। वेन्स के अंदर पतला होता है और आर्टरीज के अंदर ये क्या होता है, थिक हो जाता है। एग्जाम के अंदर पूछेंगे तो अपने डिस्कशन करेंगे इसको किस टाइप से। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि वो पूछा जाता है मोस्टली मोस्टली मसल्स आर मोस्टली मसल्स आर एसोसिएटेड विद विद और सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछ लेता है और नीचे ऑप्शन में दे देता है अनस्ट्राइटेड मसल्स, या फिर आप लोगों से पूछ लेता है स्ट्राइटेड मसल्स, या फिर आप लोगों से पूछ सकता है बोथ, और या फिर आप लोगों से पूछ लेता है कार्डियक मसल्स, और फिर आपको ऑप्शन में देगा फर्स्ट में, जैसे ए में दे दिया कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बी ऑप्शन दे दिया सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इस टाइप के ऑप्शन आप लोगों को बना के दे देगा। तो आप लोगों को देखना है कि यहाँ अनस्ट्राइटेड मसल्स मिलेगी अपने को, और इसके अलावा जिनको कार्डियक मसल्स बोल देते हैं वो अपने को मिलने वाली है। इसी क्वेश्चन को वो घुमा के पूछ लेता है कि आपकी ब्लड वेसल्स जो होती है उन ब्लड वेसल्स के अंदर किस टाइप की मसल्स होती है। तो ध्यान रखें वहाँ ऑलवेज कौन सी मसल्स होगी, अनस्ट्राइटेड मसल्स ही अपने को मिलने वाली है। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। साथ में थर्ड पार्ट का भी डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके अंदर थर्ड पार्ट जो है इंटरनल पार्ट होता है उसको बोलते हैं आप लोग ट्यूनिका, ट्यूनिका इंटरना। इस ट्यूनिका इंटरना की बात करें या इसको आप लोग एंडोथीलियम भी बोल देते हैं, और एंडोथीलियम, देखो बात करें आप लोग एंडोथीलियम चाहे हार्ट की एंडोथीलियम हो, हार्ट को जब आप कट करते हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों को एंडोथीलियल इनर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी मिलती है बेटा, एंडोथीलियम मिलती है। और इनकी ब्लड वेसल्स की बात करें तो उनकी भी इनर मोस्ट लेयर जो मिलने वाली है वो कौन सी मिलेगी आप लोगों को, एंडोथीलियम मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो ये एंडोथीलियम जो है वो मेडअप ऑफ होती है, मेडअप ऑफ सिंपल
स्क्वेमस एपिथीलियम, SSE, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। और खास बात है कि ये जो आपकी एंडोथीलियम है, ये आपके एंडोडर्मल एंडोडर्मल इन ओरिजिन, यानी ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एंडोडर्मल ओरिजिन की होती है। खास बात है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि बाकी पार्ट जो होता है ना आपका, ऑल पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑल पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोड्रम। किसे बनता है बेटा? मीजोड्रम जो जर्म लेयर है उस मीजोड्रम से ओरिजिनेट होता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एंडोथीलियम ऑफ बीवी। यहाँ बीवी का मतलब वो नहीं है, यहाँ बीवी का मीनिंग है बेटा ब्लड वेसल्स, एंड एंडोथीलियम ऑफ हार्ट, यानी हार्ट की एंडोथीलियम और ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियम है वो आपके किससे बनती है, एंडोडर्मल ओरिजिन की होती है। और बाकी जितना भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम किससे ओरिजिनेट होता है, मीजोडर्म से होता है। आप लोगों से लंग्स का पूछा जाए तो मैंने एंडोडर्मल ओरिजिन बताया था कि लंग्स जो है वो ओरिजिनेट होते हैं एंडोडर्मल। और हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो बेटा मीजोडर्मल ही आंसर आएगा, बट कई बार वो क्वेश्चन में क्या देता है कि एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स और वी कैन से एंडोथीलियम ऑफ हार्ट जो है उसका ओरिजिन किससे होता है, तो आप लोग आंसर डालेंगे कि सर एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है। एंडोथीलियम बनती किससे है? सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम से बनी होती है। और खास बात है कि ये जो आपके एंडोथीलियम पार्ट है, ये एंडोथीलियम दोनों के अंदर सिमिलर टाइप की होती है, आर्टरीज और वेन्स के अंदर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो लें, फिर अपने आगे चलेंगे। फिर बेटा बात करते हैं, वो एग्जांपल एग्जाम के अंदर आप लोगों से बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर पूछ लेता है कि आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर डिफरेंस बताएं। तो मैं यहाँ कुछ आर्टरीज या आर्टरी एंड वेन्स जो है उनके अंदर डिफरेंस जो है बता रहा हूँ आप लोगों को, ब्रॉडली बता रहा हूँ, बाकी डिटेल इनका नहीं बताएंगे, आप लोग अपने मॉड्यूल से रीड करें। इसमें ये कह रहा है कि आर्टरी जो होती है वो ऑलवेज क्या करती है, उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट प्योर ब्लड, प्योर वी कैन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है, बट एक्सेप्शनली पल्मोनरी आर्टरी जो है कैरी इम्प्योर ब्लड, यानी उसके अंदर इम्प्योर ब्लड होगा पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, बाकी सब के अंदर क्या होता है बेटा, प्योर ब्लड होता है। वेन्स की बात करें तो इसमें बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, यानी इसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेगी। एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन जो है उसके अंदर प्योर होता है, ठीक है, बाकी जितनी भी वेन्स होती है उनके अंदर ब्लड क्या होता है, इम्प्योर होता है। और ये ब्लड की जो मूवमेंट है इसके अंदर कहाँ होती है, बॉडी पार्ट टू हार्ट की तरफ इसमें मूवमेंट होने वाली है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रजेंट डीपली इन बॉडी, यानी बॉडी के अंदर डीप मिलती है आप लोग, जहाँ पर मिलती है गहराई में मिलती है, और ये प्रजेंट होती है, प्रजेंट एट सरफेशियल सरफेस या सुपरफिशियल ऊपर ही अपने को मिल जाती है। उसके अलावा बात करें कि इनकी जो ल्यूमेन होती है, ल्यूमेन जो है वो ल्यूमेन आप लोगों को नैरो मिलती है, और इनकी ल्यूमेन जो होती है, ल्यूमेन आप लोगों को वाइड मिलती है, ल्यूमेन जो है वो आप लोगों को ब्रॉड मिलती है, ल्यूमेन इज ब्रॉड, ठीक है। देखो ल्यूमेन का क्या सिस्टम है, मान लो ये आर्टरीज है, इस आर्टरीज के अंदर इस टाइप से ये ल्यूमेन पार्ट है,
इस ल्यूमेन के बाद में ये मान लेते हैं इसकी जो ब्लू ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ये स्ट्रक्चर मान लेते हैं एंडोथीलियम है इसकी, ट्यूनिका इंटरना है, ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्नल नहीं सॉरी ट्यूनिका इंटरना। और ट्यूनिका इंटरना के बाद बात करें आप लोग जिसके अंदर ये सर्कुलेटरी मसल्स का पार्ट है जिसको ट्यूनिका मीडिया बोला जाता है, ट्यूनिका मीडिया। और ट्यूनिका मीडिया के बाहर की तरफ आप लोगों को आर्टरीज के अंदर थिन लेयर मिलने वाली है किसकी बेटा, ये आपको मिलेगी ट्यूनिका एक्सटर्ना की, ठीक है। और इसकी बात कर लेते हैं जिसकी ल्यूमेन ये कह रहा है कि बहुत बड़ी होती है, ल्यूमेन ब्रॉड होती है। उसके अलावा ये ब्लू कलर से ही मान लें आप लोग ट्यूनिका इंटरना। और उसके बाद में सर्कुलेटरी पार्ट की बात सॉरी मस्कुलर पार्ट की बात करें ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिन होती है इसके अंदर, ये ट्यूनिका मीडिया। और इसके अलावा ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है उस ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करें या ट्यूनिका एडवेंसिया की बात करें तो ये ट्यूनिका एडवेंसिया दोनों के अंदर थोड़ी सी यहाँ थिकनेस शो करेगी, वहाँ थिक नहीं थी, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो अपने को मिलने वाली है। ये इसकी ल्यूमेन है, देखो इसकी ल्यूमेन ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, इसकी ल्यूमेन पतली होती है, थिन होती है। अब देखो इसकी ल्यूमेन थिन है तो इसमें प्रेशर जो है वो क्या मिलेगा बेटा, ऑलवेज हाई मिलेगा। और इसके अंदर प्रेशर क्या मिलेगा आप लोगों को, प्रेशर जो है वो लो मिलने वाला है, तो इसका प्रेशर लो, इसका प्रेशर हाई मिलने वाला है। दूसरा तीसरा पॉइंट आप लोग ये कह सकते हैं कि इसकी ल्यूमेन नैरो, प्रेशर हाई, और प्रेशर हाई हो तो आफ्टर डेथ या आप लोग बोलें कि इसके अंदर ब्लड जो है वो पड़ा नहीं रहता, ब्लड जो है वो फ्लो हो जाएगा। और जनरली आर्टरी जो है वो कोलेप्स जो है इन द एब्सेंस ऑफ ब्लड, यानी ये कोलेप्स जो है वो नहीं होती, जबकि ये जो है आप लोगों की वेन जो है वो ब्लड की एब्सेंस में कोलेप्स भी हो सकती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर कुछ डिफरेंस और बात करेंगे अपने कि किसके अंदर बीपी हाई रहता है, किसके अंदर बीपी लो रहता है, अपने डिस्कशन करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले बेटा। फिर ये कह रहा है कि जो आर्टरीज है और वेन्स जो है उनमें डिफरेंस जो चल रहा है अपने उसकी बात करें तो इसके अंदर बीपी जो है वो ऑलवेज क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और इसके अंदर बीपी ब्लड प्रेशर जो है वो अपने को क्या मिलेगा बेटा, लो मिलेगा। और ये आप लोगों ने कहा था कि आर्टरी जो है वो कोलेप्स नहीं होती, इन द एब्सेंस ऑफ डज नॉट कोलेप्स, डोंट कोलेप्स इन एब्सेंस ऑफ ब्लड, ब्लड की एब्सेंस में कोलेप्स नहीं होती। और ये क्या हो जाती है, कोलेप्स्ड इन एब्सेंस ऑफ ब्लड। दूसरा आप लोग ये कह सकते हैं इनके अंदर ब्लड एब्सेंट आफ्टर डेथ, और इनके अंदर क्या होता है ब्लड जो है प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट आफ्टर डेथ। देखो होता क्या है, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि सर इसकी ल्यूमेन जो है वो नैरो होती है, ल्यूमेन नैरो होगी तो इसमें प्रेशर हाई रहेगा, प्रेशर हाई की वजह से डेथ होने के बाद जब ये आर्टरीज कोलेप्स, कंप्लीट कोलेप्स नहीं होती बट कॉन्ट्रेक्शन इनके अंदर जो होगा तो उस कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो भी ब्लड है वो सारा का सारा आउटसाइड फ्लो हो जाता है, यानी वो आगे वेन्स के अंदर चला जाएगा या मान लीजिए हार्ट में चला जाएगा, जबकि इनके अंदर क्योंकि प्रेशर हाई नहीं होता इस वजह से यहाँ ब्लड मिल जाता है आप लोगों को। फिर ये कह रहा है कि इनके अंदर आर्टरीज के अंदर आप लोगों को वाल्व जो है वो एब्सेंट मिलेंगे, यानी वाल्व्स इसके अंदर नहीं होंगे, जबकि इनके अंदर आप लोगों को वाल्व जो है वो मिलते हैं, वाल्व्स आर प्रेजेंट, इनके अंदर वाल्व मिलेंगे और इनके अंदर वाल्व आप लोगों को नहीं मिलने वाले। तो ये कंडीशन भी आप लोगों की आर्टरीज और वेन से रिलेटेड जो है वो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि आर्टरीज जो है वो जनरली आप लोगों को टोटल ब्लड का इनके अंदर आप लोगों को 15% ऑफ टोटल ब्लड प्रेजेंट इन आर्टरीज। और इसके अंदर ये कह रहा है कि अप्रोक्स 65% ऑफ टोटल ब्लड प्रेजेंट इन वेन्स,
यानी टोटल जो ब्लड है उसके अंदर लगभग 65% तो कहाँ रहता है, वेन्स के अंदर रहता है। 65% रहने का मीनिंग यह नहीं है बेटा कि वो प्रेजेंट प्रॉपरली किसके अंदर रहेगा, वेन्स के अंदर रहेगा। कहने का मीनिंग है कि जब ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है तो उस टाइम उस टोटल ब्लड का यानी 5 लीटर अपनी बॉडी में ब्लड है, तो उस 5 लीटर का अप्रोक्स 65% तो ब्लड जो है वो वेन्स के अंदर फ्लो हो रहा होता है, 15% किसके अंदर फ्लो हो रहा था आर्टरीज के अंदर, रिमेनिंग जो ब्लड है वो आपका हार्ट के अंदर जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप लोग ये ऐसा कह सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये आप लोग ये कह रहे हैं कि इसके अंदर वाल्व नहीं होते, यानी इनके अंदर किसी भी टाइप का, जैसे ये आर्टरीज है तो इसके अंदर कोई भी वाल्व जो है वो अपने को नहीं मिलने वाला, जबकि इनके अंदर क्या होता है, वेन्स के अंदर वाल्व होता है जो ब्लड के बैक फ्लो को विच प्रिवेंट बैक फ्लो ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम कौन कर रहा है बेटा, वाल्व कर रहे हैं, जबकि इनके अंदर प्रेशर हाई होता है, इस वजह से यहाँ बाल की अपने को रिक्वायरमेंट जो है वो किसी भी तरीके से नहीं पड़ने वाली। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपने आगे चलेंगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसको बोलते हैं वेसल्स ऑफ वेसल्स या फिर वासा वेसोरम जो है वो किसे बोलते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले बेटा। इसके बाद आप बात कर रहे थे वेसल्स ऑफ वेसल्स, वेसल्स ऑफ वेसल्स या फिर इसी को बोलते हैं वासा वेसोरम। वेसल्स ऑफ वेसल्स और वासा वेसोरम का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जनरली जो लार्ज साइज की और जो थिक जो ब्लड वेसल्स होती है या ब्लड ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड टू थिक वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स आर नोन एज वासा वेसोरम और वी कैन से वेसल्स ऑफ वेसल्स। देखो होता क्या है, मान लो कोई ब्लड वेसल्स है आपके पास जो थिक साइज की है, मोटी ब्लड वेसल्स है। अब इस ब्लड वेसल्स जो थिक है उस ब्लड वेसल्स की वॉल जो है उस वॉल को भी तो वही वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए भी उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको सप्लाई करने के लिए कुछ थिन ब्लड वेसल्स होती है, थिन ब्लड कैपिलरीज मान लें, वो क्या करती है इन ब्लड वेसल्स की वॉल को भी क्या करती है ब्लड सप्लाई करती है। तो इस सिस्टम को या बोलते हैं वासा वेसोरम और वी कैन से वेसल्स ऑफ वेसल्स भी इसको बोला जाता है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीन शॉट लें कि वासा वेसोरम या वेसल्स ऑफ वेसल्स क्या है। बेटा आर्टरीज और वेन के बाद अपने बात कर लेते हैं कैपिलरीज की, जो थर्ड टाइप की थी कैपिलरी। कैपिलरीज की बात करें तो थोड़ा सा एक डायग्राम देखें आप लोग, मान लेते हैं कि अपने ह्यूमन का हार्ट जो है ये है, इस हार्ट का ये लेफ्ट पार्ट जो है लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। इस लेफ्ट पार्ट से जो ब्लड है उस ब्लड को टिश्यू तक कैरी किया जाता है बाय द आर्टरीज, तो ये मान लो आर्टरीज है, अरोटा है, वैसे ये थिक आर्टरी जो है मोटी आर्टरी जो है उसको, बट फिर भी आप ये मान लें कि ये क्या है बेटा आर्टरी जो है आर्टरी है। इस आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड और वी कैन से ऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो है उसका फ्लो होगा फ्रॉम टिश्यू। मान लो ये टिश्यू है, उस टिश्यू सरफेस पे आर्टरी जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है इनटू आर्टरियोल्स के अंदर, ये आर्टरियोल्स के अंदर, और ये आर्टरियोल्स जो होती है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है, मैं इस इनको आर्टरियोल लिख देता हूं, ये आर्टरियोल है और ये आर्टरियोल फर्दर डिवाइड हो जाएगी इस टाइप से, इस टाइप से फर्दर डिवाइड हो जाएगी, और इन्हीं फर्दर डिवाइडेड स्ट्रक्चर्स को आप लोग, ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है
इन्हीं स्ट्रक्चर्स को आप लोग बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलेंगे टाइम को, इनको कैपिलरी नेम दे रहे हैं, ठीक है। और ये कैपिलरी बाद में जाके वापस कोलेप्स हो जाती है और फर्दर जो स्ट्रक्चर डेवलप करती है इनको बोलते हैं आप लोग वेन्यूली बोल देते हैं इनको। तो ये फर्दर जो आर्टरीज है वो जॉइंट हो गई, मतलब मैं आगे डायरेक्टली इनको जॉइंट करके बता रहा हूँ, ये डिवाइड हुई थी उसी टाइप से वापस जॉइंट हो गई, इनको आप बोल लेंगे वेन्यूली। और ये वेन्यूली आपस में जॉइंट होकर वापस किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, वापस आर्टरीज नहीं बनाएंगे बेटा, वापस एक जो पाइप बनाएंगे इनको बोलते हैं वेन्स, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम है बेटा कैपिलरीज का, ये है कैपिलरीज, ठीक है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज फर्दर जो डिवाइड हो जाती है किसके अंदर, आर्टरियोल्स के अंदर, और ये आर्टरियोल जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड हो जाता है किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज जो है वो जॉइंट होकर किसकी फॉर्मेशन करेगी, वेन्यूली की, और वेन्यूली जो है वो फर्दर जॉइंट होकर किसकी फॉर्मेशन करेगी, आपके वेन्स की करेगी। तो सबसे पहले मैं यह लिख देता हूँ कि आर्टरीज जो है सब डिवाइडेड लिख देते हैं बेटा, यहाँ डिवाइडेड इनटू किसके अंदर डिवाइड हो रही थी बेटा, आर्टरियोल्स के अंदर, और ये आर्टरियोल जो है फर्दर सब डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज, और कैपिलरी जो है वो क्या कर रही थी बेटा, ये जॉइंट हो रही थी, यही मान लें कोलेप्स हो रही थी, जॉइंट ले देते हैं, जॉइंट होकर ये फॉर्मेशन कर रही थी बेटा किसकी, वेन्यूली की, और वेन्यूली जो है फर्दर जॉइंट होकर किसकी फॉर्मेशन कर रही है, वेन्स की फॉर्मेशन कर रही है। तो आप लोगों को आइडिया हुआ कि कैपिलरीज जो है वो क्या होती है, और कैपिलरीज जो है इनके अंदर ओनली, कैपिलरीज के अंदर मैं यहां लिख देता हूं ओनली एंडोथेलियम इज प्रेजेंट, यानी उसके अंदर ओनली एंडोथेलियम मिलेगी, और विच इज परफोरेटेड, यानी इसके अंदर भी क्या मिलेगी, विच इज परफोरेटेड, यानी इसके अंदर भी आप लोगों को छेद मिलेंगे जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो हो इजी गोइंग जो हो सके। इसके लिए इनके अंदर अपने को क्या मिलने वाले बेटा, पोर्स जो है वो अपने को मिलने वाले हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो लें, उसके बाद अपने आगे चलेंगे। एक बात थोड़ी सी और ध्यान दें, ये कह रहा है कि ये जो कैपिलरीज होती है इनके ओरिजिन वाले पॉइंट पे कुछ स्फिंक्टर मसल्स होती है, ये स्फिंक्टर मसल्स क्या करती है, ये आप लोगों के कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ कैपिलरीज। यही मान लें कि कैपिलरीज जो है उनको कंट्रोल करने का काम इनके बेस पे जो स्फिंक्टर मसल्स होती है, स्फिंक्टर मसल्स जो है एक टाइप से ये मसल्स इनको कंट्रोल करने का काम कर रही है बेटा। इसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है उसकी बात करें तो ये टू टाइप्स का होता है, क्योंकि जो अभी आप लोगों ने ब्लड वेसल्स की बात की है उन्हीं ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस की वजह से जो ब्लड है उन ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा और वो टिश्यू के कॉन्टैक्ट में आएगा, डायरेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, उसके बेस पे आप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो ओपन वाले में यह कह रहा है कि ब्लड फ्लो इन लार्ज एंड ओपन लेक्यूनी और साइनस और ब्लड कंटेनिंग कैविटी जिनको हीमोसील बोलते हैं, या ब्लड को यहाँ क्या बोलते हैं बेटा,
हीमोलिम्फ बोलते हैं। देखो आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आपने देखा होगा कि ये हार्ट है, इस हार्ट से आर्टरी जो आई, ये आर्टरीज क्या करेगी, एक ऐसी केविटी के अंदर, ये केविटी है बेटा, उस केविटी के अंदर जाके डायरेक्टली ओपन हो जाएगी और ब्लड जो है वो इस एरिया के अंदर रिलीज कर देगी। ब्लड को इस एरिया के अंदर रिलीज करेगी तो ये जो सेल्स आप लोगों को दिख रही है, जिनको लिखा हुआ है बॉडी सेल्स, इन बॉडी सेल्स के ऊपर ब्लड जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि टिश्यू और ब्लड जो सॉरी टिश्यू और आपके जो सेल्स है उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है ब्लड, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बाद में ब्लड जो है धीरे धीरे वापस कलेक्ट होकर किसके अंदर जाएगा, वेन्स के अंदर, और वेन से किस में चला जाएगा, वापस हार्ट के अंदर। तो इस टाइप का ब्लड फ्लो या इस टाइप का ब्लड सर्कुलेशन जिसमें टिश्यू और सेल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टैक्ट में होते हैं, उनको आप बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरे डायग्राम से आप लोग देखें थोड़ा सा कि हार्ट से आर्टरीज, आर्टरीज से देखो फर्दर ये डिवाइड होकर आर्टरियोल या फिर वे कैपिलरीज की फॉर्मेशन होगी, फिर वेन्यूली और वापस वेन्स की फॉर्मेशन इस टाइप से होगी। तो यहाँ देखो टिश्यू और जो सेल्स आप लोगों को दिख रही है ये इन वेन्यू कैपिलरीज या वेन्स के कॉन्टैक्ट में ही दिख रही है, वेन्यूली के कॉन्टैक्ट में ही दिख रही है, सॉरी आर्टरियोल्स के कॉन्टैक्ट में ही दिख रही है। मींस यहाँ जो सेल्स है या टिश्यू जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है किसके, ब्लड के, जबकि इस वाले सिस्टम में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था। तो देखो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ब्लड डायरेक्ट टिश्यू के कॉन्टैक्ट में होता है उनके में अंदर अपने को मिलेगा ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और जिनके अंदर ब्लड जो है या टिश्यू जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है ब्लड के, उनको आप बोलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। देखो यहाँ ये जो केविटी होती है इसको हीमोसील भी बोल देते हैं। देखो इसने क्या है, ब्लड कंटेनिंग केविटी जो है उसको क्या बोल देते हैं, हीमोसील, और यहाँ ब्लड को बेटा क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं ब्लड को यहाँ, हीमोलिम्फ। आगे इसने लिखा है कि ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टिश्यू, यानी टिश्यू और सेल्स जो है वो ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है। आगे इसने लिखा है द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो एंड बीपी इज़ वेरी लेस, यानी यहाँ ब्लड का फ्लो और उसकी स्पीड जो है वो कम होती है। रीज़न है क्योंकि ब्लड ब्लड वेसल से बाहर आ गया, अब इसको प्रेशर मेंटेन रहेगा, धीरे धीरे कलेक्ट होगा, तो यानी ब्लड फ्लो क्या होगा, यहाँ बीपी जो है वो क्या मिलेगी आप लोगों को, लो मिलेगी। एग्जाम्पल इसने दिया कि जैसे आर्थोपोड्स जो होते हैं उनके अंदर, इकाइनोडर्मेट्स के अंदर, और सम मोलस्का जो है उनके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है बेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मिलता है। दूसरी साइड में ही बात कर रहा है अपने पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, इसमें कह रहा है कि ब्लड फ्लो इन क्लोज चैम्बर्स इन अ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, इसने लिखा हुआ है कि क्लोज चैम्बर के अंदर ही फ्लो कर रहा है। आगे ब्लड इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टिश्यू, ब्लड जो है वो टिश्यू के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यहाँ स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो एंड बीपी इज वेरी हाई, यहाँ हाई मिलेगी। और एग्जाम्पल इसने लिखा है कि एनेलिडा है, सम मोलस्का है, जिस सिफेलोपोडा फाइलम के अलावा जितने भी मोलस्का है उन सब के अंदर आप लोगों को ओपन सर्कुलेटरी मिलता है, बट ओनली सिफेलोपोडा जो क्लास है, सॉरी फाइलम क्या, सिफेलोपोडा क्लास, जो सिफेलोपोडा क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने टैक्सोनॉमी के अंदर अच्छी तरह से बताया था कि सिफेलोपोड्स के अंदर क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, जबकि बाकी जितने भी मोलस्का है उन सब के अंदर क्या मिलेगी आपको, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। और जितने भी कॉर्डेट है उन सब के अंदर बेटा कैसा मिलेगा आपको, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अपने को मिलने वाला है। तो एक बार आप इसका भी ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का भी स्क्रीनशॉट जो है वो लें बेटा। इसके अलावा अपने बात करते हैं सेकंड पार्ट जो था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसको आप हार्ट बोल रहे थे, मैं इसके कुछ डिटेल जो है आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान रखें अपने डिस्कशन किया हुआ है, सिर्फ रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। हार्ट में ये कह रहा है कि इट इज़ थिक मस्कुलर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन होता है, इट इज़ ऑटोमेटिक पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी है, इट इज बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी सबसे बिजी रहने वाला ऑर्गन है अपनी बॉडी का, ऑल वर्टिब्रेट्स पोसेस ए मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, यानी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर आप लोगों को मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट जो है वो मिलने वाला है। देखो इसने कुछ एग्जाम्पल अपने को यहाँ दे रखे हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि फिश के अंदर बात कर लेते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को टू चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, जिसके अंदर वन आर्ट्रिकल्स और वन वेंट्रिकल जो है वो अपने को मिल रहा है, यानी वन आर्ट्रिकल और वन वेंट्रिकल जो है वो अपने को मिल रहा है किसके अंदर, फिश के अंदर। इट हैज़ टू एसेसरी चैम्बर्स जैसे साइनस विनोसस, यानी जिसको आर्ट्रिकल्स बोलते हैं, और दूसरा है टर्नकस आर्ट्रियोसस और कॉनस आर्ट्रियोसस और बल्बस आर्ट्रियोसस भी इसको बोलते हैं। ये आर्ट्रियोसस जो है, देखो ये वेंट्रिकल्स की बात कर ली इसने और ये
आर्टरियल्स की बात कर ली, तो कुल मिलाकर टू चैम्बर्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं जिनके अलग अलग नेम इसने दे रखे हैं, और इसके अंदर आप लोगों को सिंगल सर्कुलेशन जो है वो ही मिलेगा। बेटा सिंगल सर्कुलेशन जो है वो क्या है, यहाँ मैं डायग्रामेटिकली आप लोगों को बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि मान लो आपका ये हार्ट है, ठीक है, इस हार्ट में आपने कहा कि सर टू ही चैम्बर है, एट्रियम और वेंट्रिकल, ये आपका बॉडी जो है ये है। देखो इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड जो है यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ से फ्लो हुआ, और यहाँ से फ्लो होकर ये जाएगा गिल्स के पास। गिल्स भी बॉडी पार्ट ही है, गिल्स के पास ब्लड ऐसे जाएगा, और गिल्स के अंदर एयर जो है वो इस टाइप से सर्कुलेट हो रही है। तो यहाँ काउंटर करंट या अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक्सचेंज हुआ, ब्लड प्योरीफाई हुआ, ये जाएगा किसके पास, बॉडी सेल्स के पास। बॉडी सेल से ये किसमें जाएगा बेटा, वापस हार्ट के अंदर, हार्ट से वापस इसमें, फिर बॉडी के अंदर। यानी इसके अंदर ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर वन टाइम जा रहा है, तो वन टाइम ही किसमें जा रहा है, बॉडी में जा रहा है। तो ये सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसी को वीनस हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑलवेज हार्ट के अंदर कैसा ब्लड रहता है बेटा, इम्प्योर ब्लड जो है वो ही रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बॉडी के पास जाएगा तो यहाँ एक्सचेंज होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही किसके पास जाएगा, हार्ट में जाएगा। इसलिए इसके हार्ट में ऑलवेज कैसा रहता है ब्लड, इम्प्योर ब्लड रहता है, इस वजह से इसको बोल देते हैं वीनस हार्ट। इसने सिंगल सर्कुलेशन में आगे लिखा हुआ भी है, देखें आप लोग क्या लिखा हुआ है कि एनिमल्स विद टू चैम्बर्ड हार्ट एग्जिबिट सिंगल सर्कुलेशन, मीन्स ब्लड प्रोसेस वंस थ्रू हार्ट व्हेन सर्कुलेटिंग इन होल बॉडी ऑर्गन्स। यानी वन टाइम बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, और वन टाइम ही किस में जाएगा बेटा, हार्ट में जाएगा। इसको आप बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद ये बात करा कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो है उनके अंदर कैसा होता है, उसके अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, टू ऑरिकल्स मिलते हैं और वन वेंट्रिकल्स मिलते हैं। मतलब टू ऑरिकल्स मिल गए आप लोगों को और वन वेंट्रिकल्स जो है वो मिल गया, तो ये आपको कंडीशन मिलेगी किसके अंदर, आप लोगों को एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर मिलेगी। इसने लिखा है कि टू एसेसरी चैम्बर्स प्रेजेंट, साइनस विनोसिस एंड ट्रंकस आर्टरियोसस, इट इज़ पल्मोनरी हार्ट। इसको पल्मोनरी हार्ट बोलते हैं क्योंकि इस यहाँ से एक्सचेंज जो है वो लंग्स के पास होना स्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ एट्रियोवीनस हार्ट, क्योंकि उसको तो सिर्फ वीनस हार्ट बोल रहे थे, और ये कैसा है बेटा, एट्रियोवीनस हार्ट है, क्योंकि इसमें एट्रियम और वीनस दोनों मिक्स और प्योर दोनों आ रहे हैं यहाँ पे। आगे इसने लिखा इट्स अ मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन, यानी इसके अंदर कैसा ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा आप लोगों को, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, मतलब इसके अंदर प्योर और इम्प्योर ब्लड जो है वो मिक्स होते रहते हैं। आगे लिखा हुआ है इट हैज़ ट्रांजिशनल टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विच इज़ ए टाइप ऑफ डबल सर्कुलेशन, इट इज़ ट्रांजिशन स्टेज बिटवीन सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। यानी जनरली क्या होता है कि इसके अंदर आप लोगों को सिंगल सर्कुलेशन की कंडीशन भी मिलेगी और डबल की, क्योंकि ब्लड जो इम्प्योर ब्लड आया एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, ये राइट एट्रियम वाला इसमें जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल से ये जाएगा लंग्स के पास, लंग्स में प्योर होकर फिर ब्लड आएगा इसके अंदर, और इससे प्योर ब्लड किस में आ जाएगा, वापस वेंट्रिकल। मतलब यहाँ प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या होते रहते हैं बेटा, मिक्स, और यहाँ से कुछ मिक्स ब्लड ही किसके पास जाएगा, बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो डबल सर्कुलेशन हो गया, बट कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज बिटवीन सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। आगे इसने लिखा हुआ है कि इन लिजार्ड हार्ट फोरामेन ऑफ ए पेनेंजी इज प्रजेंट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सिस्टेमिक आर्किया। अब देखो ये फोरामेन जितने भी है अपने डिस्कशन करेंगे, हार्ट की जो स्टडी करेंगे उसी टाइम करेंगे। आगे लिखा हुआ है इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। देखो राइट और लेफ्ट जो है वो सेपरेटेड है। राइट ऑरिकल रिसीव इम्प्योर ब्लड, देखो राइट ऑरिकल जो है वो क्या करेगा बेटा, ये इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा, एंड लेफ्ट ऑरिकल रिसीव प्योर ब्लड, बट द वेंट्रिकल्स इज ओनली वन और इट इज़ इनकम्प्लीटली डिवाइडेड, सो प्योर एंड इम्प्योर ब्लड इसके अंदर क्या होते रहेंगे बेटा, मिक्स होते रहेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। इस थ्री चैम्बर्ड हार्ट वाले में आपको कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे। ये कह रहा है कि क्रोकोडाइल है, बर्ड्स है और मेमल्स जो है, यानी रेप्टाइल्स के अंदर जो क्रोकोडाइल है उनके अंदर आप लोगों को फोर चैम्बर्ड हार्ट मिलेंगे, टू ऑरिकल्स मिलेंगे और टू वेंट्रिकल्स अपने को मिलने वाले हैं। सच एनिमल्स एग्जिबिट डबल सर्कुलेशन, इनके अंदर डबल सर्कुलेशन मिलेगा। द राइट पार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी हार्ट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ
हार्ट इज नोन एज सिस्टेमिक हार्ट। राइट को पल्मोनरी और जो लेफ्ट पार्ट है उसको सिस्टेमिक हार्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि राइट पार्ट ऑफ हार्ट जो है उसमें जो ब्लड आएगा वो ब्लड आगे फर्दर लंग्स के पास जाएगा, इसलिए उसको पल्मोनरी हार्ट बोल दिया, और जो लेफ्ट पार्ट है उसकी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होगा इसलिए उसको बोल देते हैं सिस्टेमिक हार्ट। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, देखो बेटा फिर अपने आप हेडिंग डाल दें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो देखो इस डायग्राम को देखें, रे डायग्राम को देखें, फिर अपने इसकी बात करेंगे। रे डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा ये लंग्स है, लंग्स में से जो ब्लड है वो ऑक्सीजन लेकर किसके पास जाएगा बेटा, एरो का सिंबल लोअर साइड में है, ऑक्सीजन लेके O2 लेके ब्लड जो प्योरीफाई होकर जाएगा लेफ्ट ऑरिकल्स के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी करके किसके पास जाएगा बेटा, ये जाएगा ऑर्गन्स के पास, ऑर्गन से ये जो CO2 है उस CO2 को कैरी करके वापस किसके पास जाएगा, राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल्स के पास, वेंट्रिकल से वापस किसके पास जाएगा, ये लंग्स के पास CO2 को लेकर जाने वाला है। ये सिस्टम जो है इसके अंदर देखो स्मॉल सर्किट जिसको पल्मोनरी सर्किट बोलते हैं, क्योंकि इस पल्मोनरी सर्किट के अंदर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से ही ब्लड आता है, इसलिए राइट पार्ट ऑफ हार्ट को आप बोल दिया पल्मोनरी हार्ट, और लेफ्ट वाले के अंदर देखो बॉडी के अंदर जा रहा है, यानी पूरी बॉडी के अंदर रोटेट होकर ब्लड हार्ट में आएगा, तो इस कंडीशन में इसको बोल देते हैं ग्रेटर सर्किट और सिस्टेमेटिक सर्किट जो है इसको बोलते हैं, और ये जो पार्ट है इसके अंदर प्योर ब्लड जो है वही फ्लो हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि ऑर्गन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो ऑर्गन के पास ब्लड, फिर ये किस में गया सेकेंड पॉइंट पॉइंट पे गया हार्ट में, थर्ड पॉइंट में किस में गया लंग्स में, फोर्थ पॉइंट किस में गया हार्ट में, और फिफ्थ पॉइंट वापस किस में आएगा आपके ऑर्गन्स में आएगा, मतलब ऑर्गन्स का वन राउंड और हार्ट के कितने राउंड काट लिए ब्लड ने, टू राउंड्स, इसी को आप बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। फिर इसने ये इसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे लंग्स के ऊपर भी एक्सचेंज होगा ब्लड का जैसे यहाँ हो रहा था, इसके अलावा जिसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं जिसके अंदर प्योर ब्लड आपने कहा क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर आएगा, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट के अंदर आएगा, लेफ्ट पार्ट से फिर ये यहाँ से जो सिस्टेमिक आर्टरी जो है डोर्सल एरोटा बोलते हैं, ये डोर्सल एरोटा कहाँ लेके जाएगी बॉडी पार्ट्स के पास, यहाँ वही कैपिलरी वाला सिस्टम डेवलप होगा, कैपिलरी वाले सिस्टम से वापस जो वेन्स है जिसको वेना केवा बोल देते हैं, ये वेना केवा राइट एट्रियम के अंदर लेके आएगी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल से वापस लंग्स के पास जाएगी, लंग्स के पास लेके जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड को बाहर लेके जाती है ना, जैसे मान लो ये हार्ट है आपका, इस हार्ट से ऑलवेज जो आउटफ्लो करती है, आउटफ्लो वाली कंडीशन जो होती है आउटफ्लो, उस आउटफ्लो वाली पाइप को आप बोलते हैं आर्टरीज, और जो इनफ्लो करती है ब्लड को उसको बोलते हैं वेन्स। तो यहाँ ये जो आर्टरीज है क्योंकि ब्लड को बाहर लेके जा रही है लंग्स की तरफ लेके जा रही है फ्रॉम हार्ट, तो उसको बोल देते हैं आर्टरी, और आर्टरीज कौन सी बेटा, ये पल्मोनरी आर्टरीज है जिसके अंदर प्योर ब्लड जो है वो नहीं होता, इम्प्योर ब्लड होता है, तो पल्मोनरी आर्टरीज इम्प्योर ब्लड का एक एक्सेप्शन था, मतलब जिसके अंदर आर्टरीज के अंदर ऑलवेज प्योर था, बट पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर कैसा मिल रहा है आपको, इम्प्योर ब्लड मिल रहा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट जो है वो ह्यूमन हार्ट का जो डिटेल है अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे बेटा, आज बेसिक जो था सर्कुलेटरी सिस्टम का वो किया, कल अपने ह्यूमन हार्ट का डिटेल करेंगे।